नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित वर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल अंकित वर्मा ऑल आज के नोटिफिकेशन में। तो दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल पे देख ही चुके हैं कि आज के इस वीडियो में मैं आपको आज 5 मई 2024 की हिमाचल प्रदेश की आज की सभी ताज़ा खबरों की जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूँ। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं आज की सभी ताज़ा खबरें। हिमाचल वेदर, मैदानी इलाकों में साफ और पहाड़ी हिस्से में खराब मौसम के हालात, कुछ दिन बारिश के आसार। हिमाचल प्रदेश में मौसम विभाग के अनुसार 5 से 8 मई तक मैदानी व मध्य पर्वतीय भागों में मौसम साफ रहने के आसार हैं, जबकि उच्च पर्वतीय कुछ स्थानों पर मौसम खराब बना रह सकता है। 9 व 10 मई को प्रदेश के मैदानी मध्य व उच्च पर्वतीय कई स्थानों पर बारिश की संभावना है। हिमाचल विधानसभा सचिवालय में पेश नहीं हुए निर्दलीय विधायक, अब 11 मई को होगी सुनवाई। कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी की याचिका पर निर्दलीय विधायकों से विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने जवाब तलबी की है। भाजपा के दबाव में इस्तीफा देने के आरोप वाली याचिका पर विधानसभा की ओर से जारी नोटिस का भी निर्दलीय विधायकों ने शनिवार को जवाब नहीं दिया। सोलर न्यूज़, गाड़ियों की छत पर बैठ हुड़दंग मचा रहे थे पर्यटक, पुलिस ने पहुंचाए थाने। शिमला से सोलन की तरफ आ रहे पर्यटक अपनी गाड़ियों की खिड़कियों और छत पर लटके हुए थे। इनका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, तस्वीरें आप देख सकते हैं। धर्मशाला, सुनील जोशी बोले जीत की हैट्रिक लगाने उतरेगी पंजाब किंग्स टीम। धर्मशाला में मैच से पहले प्रेस वार्ता में पंजाब किंग्स के स्पिन बॉलिंग कोच सुनील जोशी ने कहा कि हम धर्मशाला में जीत की हैट्रिक लगाएंगे। आईपीएल, एरिक सिम्स बोले अच्छा बुरा दोनों अनुभव रखती है चेन्नई सुपर किंग्स। उन्होंने कहा कि धर्मशाला का स्टेडियम बेहतरीन स्टेडियमों में शुमार है, यहाँ पर टीमों के लिए खेलना बेहतरीन रहेगा। उन्होंने कहा कि टीम के खिलाड़ी तशिंगा घायल हैं। एचपी बोर्ड 10 टीएच रिजल्ट, हिमाचल स्कूल शिक्षा बोर्ड इस दिन घोषित कर सकता है 10वीं कक्षा का परिणाम। 12वीं कक्षा के बाद अब हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड 10वीं कक्षा का शैक्षणिक सत्र 2023-24 का वार्षिक परिणाम रिकॉर्ड समय में घोषित करने की तैयारी में है। स्कूल शिक्षा बोर्ड 7 मई को 10वीं कक्षा का वार्षिक परिणाम घोषित कर सकता है। बोर्ड प्रबंधन ने परीक्षा परिणाम को निकालने की तैयारियाँ लगभग पूरी कर ली हैं। राजीव बिंदल बोले हिमाचल में भाजपा प्रत्याशी 9 मई से करेंगे नामांकन। आगामी लोकसभा चुनाव और विधानसभा उपचुनावों के लिए भाजपा प्रत्याशी 9 से 14 मई के बीच नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने शनिवार को शिमला में प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि कांगड़ा संसदीय सीट से प्रत्याशी डॉक्टर राजीव भारद्वाज 10 मई, हमीरपुर से अनुराग ठाकुर व शिमला से सुरेश कश्यप 13 मई और मंडी से प्रत्याशी कंगना रनौत 14 मई को नामांकन दाखिल करेंगी। शिमला, जगत नेगी बोले झूठ बोलने के सारे रिकॉर्ड तोड़ रहे जयराम ठाकुर। शनिवार को जारी बयान में नेगी ने कहा कि केंद्र सरकार ने MIS के तहत मात्र 1 लाख रुपये का टोकन बजट रखा है और जयराम ठाकुर सेब बागवानों को 50 रुपये न्यूनतम समर्थन मूल्य देने के झूठ बोल रहे हैं। प्रदेश में सब्जी उत्पादन बढ़ाने को 44 सिफारिशें रिकॉर्ड। प्रदेश में सब्जी उत्पादन बढ़ाने के लिए रिकॉर्ड 44 सिफारिशें की गई हैं। यह सिफारिशें कृषि विश्वविद्यालय में सब्जी फसलों पर राज्य स्तरीय कार्यशाला के दौरान की गई। कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर DK वत्स ने भिंडी, शिमला मिर्च, पैप्रिका मिर्च, लाल शिमला मिर्च, टमाटर, फूलगोभी और मटर की नई किस्मों के विकास और सिफारिश के लिए वैज्ञानिकों की सराहना की। उन्होंने कहा कि प्रमुख सब्जी फसलों में रोग और कीट प्रबंधन पर नई सिफारिशें सब्जी उत्पादकों को उत्पादन बढ़ाने और उनकी आय बढ़ाने में सक्षम बनाएंगी। लोन से परेशान भाइयों ने मांगी आत्मदाह की अनुमति। ऊना थाना क्षेत्र के तहत एक कस्बे के दो सगे भाइयों ने ऋण से परेशान होकर आत्मदाह की अनुमति मांगी है। दोनों पीड़ित भाइयों ने SP ऊना को मांग पत्र सौंपा है। पुलिस प्रशासन को दी शिकायत में दोनों भाइयों ने बताया कि उन्होंने दो युवकों के पास से अपनी पत्नियों के गहने गिरवी रख 1.5 लाख रुपये का लोन 10% ब्याज के तौर पर लिया था। हर महीने 15,000 रुपये किस्त देना तय हुआ था। पीड़ितों ने बताया कि काम धंधा ठप होने के कारण वह ब्याज नहीं दे पाए, जिसकी रकम 3 लाख रुपये एक साल में बना दी गई। अब उक्त लोग उनके घर पर लोगों को भेजकर धमकियां दे रहे हैं। यही नहीं, उन्होंने ब्याज की रकम को पूरा करने के लिए मैथपुर स्थित एक इलेक्ट्रॉनिक की दुकान से 50,000 रुपये का एक एयर कंडीशनर व अन्य सामान लेकर दिया गया। पीड़ितों ने बताया कि उन्होंने 1.5 लाख रुपये लोन लिया था, जिसके बदले वह अब तक करीब 9 लाख रुपये अदा कर चुके हैं। महीने के आखिरी शनिवार बैग फ्री लगेंगी कक्षाएं। शिक्षा विभाग ने प्रदेश के सरकारी स्कूलों को
महीने के आखिरी शनिवार को बैग फ्री डे मनाने के निर्देश जारी कर दिए हैं, ताकि छात्रों को महीने में एक दिन अपनी संस्कृति व खेलकूद गतिविधियां करवाई जा सकें। छात्रों को इस दिन कक्षाओं में पढ़ाया नहीं जाएगा, बल्कि दिन भर अलग अलग कार्यक्रम आयोजित करवाए जाएंगे। स्कूल में दिन भर क्या क्या गतिविधियां आयोजित करवाई जाएंगी, इसको लेकर रूपरेखा तैयार की गई है। हिमाचल के 10 जिलों में कल होगी नीट परीक्षा। सुबह 11 बजे से परीक्षा केंद्रों में शुरू हो जाएगा प्रवेश। हिमाचल के 10 जिलों में रविवार को नीट परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA की ओर से देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट NET की परीक्षा दोपहर 2 से शाम 5:20 बजे के बीच होगी। छात्रों को परीक्षा केंद्र पर प्रवेश 11 बजे से शुरू होगा, जो कि 1:30 बजे तक चलेगी। परीक्षार्थी अपने साथ ओरिजिनल ID जैसे आधार कार्ड, गवर्नमेंट अनुमोदित वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID, रजिस्ट्रेशन कार्ड, पासपोर्ट, परीक्षार्थी की फ़ोटो लगा ओरिजिनल स्कूल आइडेंटिटी कार्ड साथ ला सकते हैं। MBBS परीक्षा में कुल्लू की मीनाक्षी ने किया टॉप, ऐसे मिली डॉक्टर बनने की प्रेरणा। तस्वीरें आप देख सकते हैं। कोटखाई में 2 साथियों ने मौत की घाट उतारा नेपाली, एक गिरफ्तार, दूसरा फरार। हिमाचल प्रदेश के पुलिस थाना कोटखाई में एक हत्या का मामला दर्ज हुआ है। यहां एक नेपाली मूल के व्यक्ति को उसके 2 साथियों ने मौत के घाट उतारा है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और अन्य आरोपी को ढूंढने की मुहिम तय कर दी है। मृतक की पहचान लोकेश के रूप में की गई है, जो कि परिवार सहित कोटखाई के जिटला जलटार गाँव निवासी संदीप सावत के बगीचे में मजदूरी का काम करता था। विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ चुनाव आयोग से शिकायत, पढ़ें क्या है मामला। हिमाचल प्रदेश में चुनावी बेला में आरोपों प्रत्यारोपों के बीच विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया के खिलाफ शिकायत की गई है। बीजेपी विधायक हंसराज चौहान ने चुनाव आयोग से की गई शिकायत में बताया, विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन के आरोप लगाया। आरोप है कि संवैधानिक पद पर रहते हुए मंडी लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह के पक्ष में विधानसभा अध्यक्ष ने चुनाव प्रचार कर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के उल्लंघन किया है। तो दोस्तों, ये थी हिमाचल प्रदेश की आज की सभी ताज़ा खबरें। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आप तक हिमाचल प्रदेश की हर नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।